बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृतेर्मृदुला विकृतात् अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितम् कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानृणाम्। ये संपूर्ण प्रपंच जो है, सारी दुनिया जो है, ये जो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग शकल सूरत है, अलग अलग काम धंधे हैं, पशु अलग, पक्षी अलग, मनुष्य अलग, नारायण ये सब क्या है? तो बोले सब ब्रह्म ही है। ये वेदों में जो अग्नि वरुण इंद्र आदि नाम आते हैं वो सब क्या है? तो ये सब ब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि अंत में जब नाम रूप नहीं रहता है तब ब्रह्म ही रहता है, और जब नाम रूप नहीं था तब ब्रह्म ही था, और वो ब्रह्म कौन था? तो यही जो चेतन अपना आत्मा है, यही ब्रह्म रूप में रहता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, वैसे महाराज ब्रह्म में ये प्रपंच जो है ये घड़े की तरह है, मिट्टी से अलग, घड़ा जैसे नहीं होता है। यदि आपको पानी पीना हो तो घड़े को अलग करके उसमें रखिए और पीजिए, वो एक व्यवहार की बात हुई। लेकिन यदि घड़ा क्या है इस तत्व का विचार करना हो तो मिट्टी से अलग घड़े का कोई वजन नहीं है और कोई वो दूसरी वस्तु तो नहीं है। तो कभी इसके जानने से लाभ क्या है? क्या लाभ ये है इसके जानने से, अतरिशयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितम्। जो इसको जान लेते हैं, ऋषयो मंत्रावा महात्मानोवा, ये जो वेद मंत्र हैं वो इंद्र अग्नि वरुण आदि अनेक नाम लेते हैं और अनेक विधि विधान बताते हैं, क्रिया बताते हैं, परंतु सब ब्रह्म स्वरूप ही है। ये नहीं कि इंद्र नाम बता दिया अलग, वरुण नाम बता दिया अलग, नारायण अश्विनी कुमार नाम बता दिया अलग, और अग्नि नाम बता दिया अलग, ये नहीं, अलग अलग नहीं होते हैं। वचन से जो कुछ बोला जाता है और कर्म से जो कुछ किया जाता है और मन से जो कुछ सोचा जाता है, वो जो लोग परमात्मा को जानते हैं वो जानते हैं कि परमात्मा ही है। एक महात्मा थे, वो गधे की ओर देख रहे थे, तो किसी ने पूछा क्या देख रहे हैं? का गर्भाकार विवर्तित जो ब्रह्म है उसी को देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? एक महात्मा थे, वो जिंदगी भर टें 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 बोलते रहे। तो क्या बोलते हैं? तो ब्रह्म बोलते हैं। एक महात्मा जो है उनको बनारस से लेके कलकत्ते का स्टेशन, कलकत्ते तक स्टेशनों का नाम ही याद था, वही लेते रहते थे। अरे ये क्या करते हो? क्या ब्रह्म है, ब्रह्म नाम है। महाराज जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसको केवल अपने शरीर की सर्वावस्था नहीं, संपूर्ण विश्व की सर्वावस्था, सर्वनाम, सर्वरूप, सर्वगुण, सर्व क्रिया परमात्मा के रूप में मालूम पड़ता है। अतरिशयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितम् कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानृणाम्। जब मनुष्य अपना पांव रखेगा तो चाहे जैसे भी रखे धरती के सहारे रखेगा। इसी प्रकार महाराज जब महात्मा लोग परमात्मा को पहचान जाते हैं तो वो कहते हैं कि चाहे जो नाम हो, जो रूप हो, जो वस्तु हो, जो गुण हो, जो भी दिखाई पड़े, जिसको भी दिखाई पड़े, ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इति तव सूरयः त्रिधिपते खिल लोकमलक क्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः। नारायण इसी से महात्मा लोग ये पसंद करते हैं कि भगवान की कथा वार्ता की जाए, संकीर्तन की किया जाए, उनका नाम लिया जाए, और सब परमात्मा तो है ही है। अंतःकरण में जो मनुष्य के ये गुंडा आके दुख आके बस गया है,
ये पिशाच है महाराज, इसकी न कहीं जन्म भूमि है, न इसका कोई आकार है, न नारायण इसमें कोई वजन है, लेकिन ये मनुष्य के हृदय में जो दुख आके बस गया है, ये ही बिल्कुल अज्ञान पिशाच है, आवरण है, ये जो बारंबार गुलानी और मलानी होती रहती है मनुष्य को, और दुख और सुख आते रहते हैं, ये परमात्मा को न पहचानने के कारण होता है, क्योंकि ये सब का सब परमात्मा का स्वरूप है। इसी से महाराज जो अच्छे सत्पुरुष होते हैं वे भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान की भक्ति करने से फिर जिनकी भक्ति होती है वे भगवान हृदय में आने लगते हैं, और दूसरों के लिए जो काम क्रोध आदि दोष है वो निवृत्त हो जाते हैं। जन्म मरण तो आत्मा में है ही नहीं नारायण, इसी से भगवान दूसरों के जो भगवान सिर्फ निराकार हैं और सातवें आसमान में रहते हैं वो भला धरती पर कैसे उतरेंगे, लेकिन हमारे जो भगवान हैं वो तो महाराज सर्व रूप हैं, वही मिट्टी के पार्थिव लिंग हैं, वही शालग्राम हैं, वही नर्मदा शंकर हैं, वही चतुर्भुज द्विभुज हैं, वही काले गोरे हैं, है नारायण, सब के सब बड़े छोटे वही हैं, वही मछली कछुआ और सुअर भी हैं नारायण, ये परमात्मा का स्वरूप है। सो अपने सर्वात्म रूप को, सर्वात्म बोध को प्रकट करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के चरित्र करते हैं। वो चरित्र क्या है का अमृत स्वरूप है नारायण, और जो लोग उसमें डूबने उतराने लगते हैं उस अमृत के समुद्र में उनको उनको तो महाराज दूसरी कोई चीज भाती ही नहीं है, और वो तो अर्थ धर्म काम मोक्ष किसी भी दूसरी वस्तु को चाहते नहीं, उनके लिए तो परमात्मा ही परमात्मा है। सो ये मन जो है ये कल्पनाएं करता है बहुत, और मालूम पड़ता है कि सच्चा है नारायण, लेकिन महात्मा लोग जो हैं इस मन को सच्चा नहीं समझते, परमात्मा को ही सच्चा समझते हैं, अपने आत्मा को ही सच्चा समझते हैं। इसलिए अज्ञानी लोग जो भला और बुरा मान करके राग द्वेष करने लगते हैं, अपने दिल को बिगाड़ते हैं नारायण, और उस दिल से एक होकर के महाराज लोग अपने को दुखी कर लेते हैं, संसारी लोग। ये बात महात्माओं में नहीं होती, सदा भी मृषांत्य अशेष मिदम आत्मतयात्म विदा, महात्मा लोग सबको अपना आत्म स्वरूप ही समझते हैं, और नहीं विकृतिम त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया, ये जो सोने से बनते हैं जेवर उनको कोई दूसरी चीज समझ करके फेंक नहीं देता है। इसी प्रकार परमात्मा से ये बनी हुई जो सृष्टि है ये कहीं मोहब्बत करने लायक नहीं है और कहीं नफरत करने लायक भी नहीं है। यदि दो चीज होती तो मोहब्बत या नफरत करते, राग द्वेष करते, इसमें तो राग द्वेष करने जो कुछ है ही नहीं, एक सत्य, एक ज्ञान, एक आनंद, एक परमात्मा का ये नारायण निवास है। जदिदम अग्र आसन भविष्यदतो निधनात् अनुवितमंतरा त्वयि विभाति मृषयीकरसे, नारायण ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है ये तो ब्रह्म के सिवाय न कभी थी न आगे होगी। ये जो परमात्मा से अलग मालूम पड़ती है, ये जो पृथक्त्व है, ये जो इसका अलगाव है, ये दुनिया झूठी नहीं है, दुनिया तो परमात्मा है, लेकिन इसमें जो पृथक्त्व माने अलगाव का ख्याल बन गया है वो ख्याल झूठा है। ज्ञान जो है वो ख्याल को ठीक करता, दुनिया को ठीक नहीं करता। ज्ञान जो है वो दुनिया को नहीं बदलता, हमारी बुद्धि में जो भ्रम है उस भ्रम को ही बदलता है। यदि हमारी बुद्धि में से भ्रम नहीं बदल गया तो कोट उपाय करो महाराज, हम लोगों ने जोगी अरविंद के आश्रम में जाके स्पष्ट रूप से पूछ लिया, प्रश्न कर दिया, बताओ ये दुनिया दिव्य हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या जोगी अरविंद का पांव नहीं टूटेगा, क्या लोगों के क्या नाम है बच्चे पैदा नहीं होंगे, दिव्यता माने क्या होता है। नल्लीकांत ने, पहले अनिल वरण राय थे, नल्लीकांत जी थे,
दिलीप कुमार राय भी उन दिनों वहां रहते थे, कपाली शास्त्री थे। अंत में नलिनीकांत ने कहा कि सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। तो ये जो हमारा वेदांत है, ये हमारी बुद्धि को बदलने के लिए है। दुनिया तुम्हारी ज्यों की त्यों रहे बाबा, इसमें पापी रहे, पुण्य आत्मा रहे, शुद्ध रहे, अशुद्ध रहे, इसमें सुअर रहे, गाय रहे, लेकिन हमारे ख्याल में सिवाय परमात्मा के दूसरा नहीं होना चाहिए। और वो ख्याल बदलने के लिए ये श्रुति होती है और तत्व का वर्णन करती है। इसी से जो महात्मा पुरुष हैं वो परमात्मा का भजन करते हैं। सतैदमुत्थिताम् सदिति चेन ननु तर्कहतम् व्यभिचरति क्वचन क्वचन मृषा क्वच मृषा न तथो भयजुक व्यभिचरति क्वच क्वच मृषा न तथो भयजुक व्यवहृतये विकल्पयिषितोऽन्ध परम्परया भ्रमयति भारती तौरु वृत्ति भी रुक्सजरान। नारायण, असल में एक कुहासा सबकी बुद्धि पर छाया हुआ है और वो देख नहीं पाता कि कहाँ क्या है, अंधेरे में भटक रहा है। नीचे बड़ा भारी धन है पांव के नीचे गड़ा हुआ, लेकिन वो ऊपर ऊपर भटकता है, देखते ही नहीं कि भीतर हमारे हृदय में वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा रहस्य है। सत से जो उत्पन्न होता है वो भी सत नहीं होता, क्यों? कि एक तो सत पीछे उत्पन्न हुआ और एक पहले से था। नारायण, और जो उत्पन्न हुआ सो मर जाएगा और जो पहले से था सो रहेगा, तो जब त्रिकाला बाधित नहीं हुआ तो सत काहे का। नारायण, ये तो नारायण अविद्या से युक्त होने पर भी ब्रह्म जो है वो प्रपंचाकार परिणाम को प्राप्त नहीं होता। ये तो नारायण, जो लोग काम धंधे में फंसे हुए हैं, भोग राग में फंसे हैं और स्वर्ग नरक चाहते हैं, का उन लोगों को ये वेद वाणी जो है वो इधर उधर भटकाती है, इसके चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से कह दिया वेद स्तुति ने कि नारायण, ये जो प्रपंच है इसमें पांच बातें जब तक अपनी बुद्धि में रहती हैं, और कि मोक्ष आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो साधन भजन करने से पैदा होता है, एक बात, और बंधन सच्चा है, ये साधन भजन करने से मर जाता है, मिट जाता है, और आत्मा जो है वो सबकी अलग अलग है, ऐसा जो मानते हैं, और जो मानते हैं कि कर्म बंधन कर्म फल सच्चा है, और जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा रजोगुणी तमोगुणी और सत्वगुणी होता है। नारायण, ये जो भेद है नारायण, ये केवल अज्ञान ना समझी के द्वारा बनाए हुए हैं, परमात्मा के स्वरूप में ये बिल्कुल नहीं है। सो नारायण, क्या करना चाहिए? तो बोले भाई, साधक हो तो अपने हृदय में जो काम जटा बैठी हुई है, जैसे साधुओं के सिर पर जटा जो है वो नारायण ऐसी जटिल हो जाती है कि उसको छुड़ाना मुश्किल है। वैसे महाराज, बाहर से लेके बाहर से बाल खरीद के और दूध लगा लगा करके बड़का, और वो महाराज बूझा की तरह जटा बांधते हैं अपने सिर पर। किसी किसी की सच्ची भी होती होगी, लेकिन ज्यादा करके ये बाहर से बाल लेकर के जोड़ी हुई होती है, लेकिन उसके साथ इतना तादात में होता है कि अपने को महान समझने लगते हैं। इसी प्रकार हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ, इनकी एक जड़ें जो हैं वो उलझ गई हैं तो झूठी नारायण, लेकिन जब उनको उखाड़ करके फेंकेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, तो हृदय में नारायण परमात्मा तो है पर दिखेगा नहीं, जैसे किसी के गले में मणि हो और उसका पता न चले, भूल गया हो। एक आदमी के गले में मणि था और उसने देखा हृदय पर नहीं है, चारों ओर ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते महाराज किसी ने बताया कि ये तुम्हारे गले में सटा हुआ क्या है? अरे हाँ हाँ, बस यही है। एक सज्जन थे महाराज,
वो अपने बच्चे को कंधे पर ले करके कहीं घूमने गए। अब वो सो गया बच्चा, अब भूल गए वो, अब वो गांव में ढूंढे कि हमारा बच्चा कहाँ है। अब जब घर में घुसे और अपनी ही पत्नी से बोलने लगे कि बच्चा तो खो गया, तो उसने कहा क्या हो गया है तुमको, ये तुम्हारे कंधे पर कौन है, गोद में बालक शहर में ढिडोरा, नारायण परमात्मा तो है अपने हृदय में और तुम उसको दुनिया में ढूंढते फिरते हो। तो महाराज, जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उसको दुनिया में कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है ये भेद उसकी बुद्धि में नहीं रहता। तो न वगमी न बेति भवदुत्थ शुभा शुभयो हो, नारायण उसको तो ये ख्याल ही नहीं होता कि ये पापी है इसको छुओ मत, कहीं ये पुण्यात्मा है इससे बहुत प्रेम करो, उसके लिए तो सब एक समान परमात्मा हो जाता है। और वो किसमें क्या गुण है क्या दोष है इसको भी नहीं जानता है और क्या करता है का बस सब भगवान भगवान का स्वरूप मस्त रहता है। नारायण, परमात्मा का अंत दुनिया में कोई नहीं जानता है। वेद भी अथक व्यावृत्ति आजम चकित मभिधत्त श्रुति रपि, परमात्मा के सिवाय जो दूसरी चीजें हैं उसको निषेध कर देते हैं, मना कर देते हैं। और अतन निरसनेन भवन निधनाहा, परमात्मा का निषेध करके परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। तो महाराज, इस सगुण की परंपरा ऐसी है कि नारायण बड़े बड़े दृढ़ योग के द्वारा मुनि लोग जिस तत्व को प्राप्त करते हैं शत्रुओं को भी उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हृदय में जब परमात्मा का प्रकाश होता है तब उसमें ऋषि और शत्रु का कोई भेद ही नहीं रह जाता है। इसी से बताया कि आपके हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड को देख करके गांव की गवार गोपियों ने जो आपसे प्रेम किया उनको भी वही चीज मिली जो हम श्रुतियों को प्राप्त होती है। सो प्रभु, अब आप जाग जाइए और ये हमारी जो बुद्धि है, मन है, ये जो इंद्रियां हैं, प्राण है, नारायण ये सब आप में बिल्कुल तिरमिरे की तरह अलग दिखाई पड़ते हैं, ये वस्तुतः आपके स्वरूप से पृथक नहीं है। नारायण, ये तो सारांश मैंने सुनाया, ये 28 श्लोक जो है वो 28 प्रकार के भ्रमों को निवृत्त करने के लिए हैं। ऐसा नारायण श्री वल्लभाचार्य जी के जो टीका टिप्पणीकार हैं उन्होंने कहा ही है, श्री नारायण श्रीधर स्वामी ने बहुत स्पष्ट करके इनका निरूपण किया है और प्रत्येक मंत्र पर एक श्लोक लिखा है। अब तो महाराज सनत कुमारों ने तो आपस में इसकी चर्चा की और फिर ब्रह्मवाद समाप्त होने पर कहीं चले गए और नारायण ने नारद जी से कहा कि हे ब्रह्म कुमार, जैसे भी ब्रह्म कुमार हैं वैसे तुम भी ब्रह्म कुमार हो, श्रुतियों का तात्पर्य कैसे ब्रह्म में है और मन का परम मन की वृत्तियां कैसे ब्रह्म में जाती हैं इसका निरूपण कर दिया, अब तुम इसको धारण करो। और यही बात श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई और अंत में मंगलाचरण किया हो, जो उत्प्रेक्षकादि मध्य निंदने जो व्यक्त जीवेश्वर हो, नारायण ऐसा कह करके और सर्वात्मा जो परमात्मा है अद्वितीय उसका स्मरण किया। स्तुति तो बहुत विस्तार से है और इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, अब आगे आपको सुनाते हैं कि एक बार महाराज ऋषियों में ये प्रश्न उठा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में कौन देवता बड़ा है, क्योंकि देखने में आता है कि जो रुद्र की आराधना करते हैं उनके पास धन दौलत बहुत आती है, जो शिव जी की आराधना करते हैं और जो विष्णु की आराधना करते हैं उस समय उनके पास जरा धन दौलत कम आती दिखती है, तो इनमें से कौन सा देवता है जिसकी पूजा करनी चाहिए। देखो बात यह है कि मसाला तो एक ही है, किसी के ऊपर वो जैसे पच्चीकारी करते हैं ना सोने के ऊपर,
तो कोई हरा हो जाता है और कोई लाल हो जाता है और कोई काला हो जाता है। सोना तो सब में एक है, कच्ची कारी ही अलग अलग है। सो नारायण, जो शुद्ध स्वर्ण की दृष्टि से देखते हैं उनके लिए तो शिव में भी वही, विष्णु में भी वही, ब्रह्मा में भी वही नारायण। परंतु तमोगुण की उपाधि से रुद्र, रजोगुण की उपाधि से ब्रह्मा और सत्व गुण की उपाधि से विष्णु भगवान है। गुणों में भेद है, स्वरूप में भेद नहीं है। इसलिए एक बार तो क्या हुआ कि शंकर जी महाराज अपने किए संकट में फंस गए। शंकर जी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए जो कुछ आता है वो सब दूसरों को देते जाते हैं, अपने पास कुछ रखते नहीं। और विष्णु भगवान के पास सब कुछ है, दूध का समुद्र भी है, लक्ष्मी भी है, कौस्तुभ मणि भी है, नागमणि भी है, है नारायण। अब वो अपने पास रखते हैं तो दूसरों को जरा समझ बूझ के देते हैं नारायण। और महाराज एक विरक्त एक साधु थे कर्णवास में, तो उनके पास जो कुछ आए, कोई फल रख के जाए, सूखा फल, गीला फल, नारायण कपड़ा लगता, तो वहां के ब्राह्मणों को जो वहां के कर्णवास के वासी आवे उनको दे दिया करते थे। अब तो महाराज उन लोगों ने ऐसी महिमा उनको फैलाई कि लोग आके खूब चढ़ावे, क्योंकि मिलता तो उन्हीं को था, वो तो अपने पास रखते रहे थे, दे लिया करते थे। अब एक महात्मा थे महाराज, जो कुछ आवे सो अपने पास रख ले। अब वहां कोई पंडित ही नहीं उनके महाराज, लोगों को लावे ही नहीं। ये वृंदावन में भी ऐसे कई मंदिर हैं हो जहाँ 16 आने में 15 आने तक लाने वाले पंडाओं को दे देना पड़ता है, मंदिर वालों को केवल एक आना मिलता है। ऐसे ऐसे मंदिर हैं, तो पंडागिरी तो महाराज ऐसी चलती है। रुद्र तो अपने पास रखते नहीं है, विष्णु भगवान सब कुछ रख लेते हैं। तो संकट में कैसे पड़े कि एक था बृकासुर, बृकासुर उसका नाम था महाराज, और भेड़िया जैसे होता है ऐसे। अब उसने नारद जी से पूछा कि महाराज हमको कई चीजें पानी है, वरदान पाना है, तो किस देवता की हम पूजा करें तो झटपट खुश हो जाएंगे। और नारद जी ने कहा शंकर जी की करो, वो तो आशुतोष है और ढरदाने, झटपट खुश हो जाएंगे। अब उसने जाके महाराज जो आराधना प्रारंभ की भगवान शंकर की, अपने शरीर का मांस काट काट के अग्नि में डालने लगा, और अंत में जब अपना सिर काट के डालने को तैयार हुआ तो शंकर जी ने आके हाथ पकड़ लिया। अरे बस बस कर, अब इससे ज्यादा तप नहीं चाहिए हमको, बर मांग क्या चाहिए। अब उसने देखा कि शंकर जी के साथ गौरी भी आई है, पार्वती। अरे उन्होंने कहा इस नंगे के साथ महाराज, शरीर में सांप और चिता का भस्म, और इतनी सुंदर ये गोरी गौरी का, ये तो हरण करने योग्य है। सो उसने कहा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो मर जाए। अब महाराज शंकर जी ने कहा जा, ऐसे ही सही, वरदान दे दिया। अब वो दौड़ा उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए कि ये मर जाएंगे तो ये जो स्त्री है गौरी वो हमको मिल जाएगी। अब तो शंकर जी अपने ही वरदान से महाराज भोले भाले, तो भोले बाबा तो है ही है। अब वो भागे। अब लोगों ने जाके विष्णु भगवान से कहा, कहा कि ये तो देखो शंकर जी भाग रहे हैं और बृकासुर उनका पीछा कर रहा है। सो झट ब्रह्मचारी बन के विष्णु भगवान आ गए। अरे भोले ओ शाकुने, नारायण माँ बाप का नाम लेके, हम तो तुम्हारे माँ बाप को भी जानते हैं, कहाँ दौड़े जा रहे हो। अरे भाई आत्मा जो है, ये शरीर जो है, ये आराम करने के लिए है, आनंद के लिए है, तुम इतना पीछा क्यों कर रहे हो। उसने बताया कि इसने हमको वरदान दिया है शंकर ने कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो मर जाएगा, सो मैं इसी के सिर पे हाथ रखने के लिए दौड़ रहा हूँ। विष्णु भगवान ने कहा बावरे वो तो पागल हो गया है, अब उसका वरदान किसी को थोड़ी लगता है, वो तो बिल्कुल झूठा झूठा वरदान देता है, पागल है, उसकी बात पर तुमने विश्वास क्यों किया। बोले कि नहीं हमको तो विश्वास है महाराज। तब विश्वास है तो तू परीक्षा कर ले, अपने सिर पर हाथ रख के देख क्या होता। अब महाराज ऐसी माया उनकी
कि अपने सिर पर जो हाथ रखा सो भस्म हो गया। अब विष्णु भगवान ब्रह्मचारी के वेश में शंकर जी के सामने प्रकट हुए और बोले, भोले बाबा तुम सचमुच बहुत भोले हो, इन दुष्टों को ऐसा वरदान मत दिया करो। यहाँ बताई गई ये बात कि दूसरे की रक्षा करने में है नारायण विष्णु भगवान जो हैं ये उत्तम हैं। ये भागवत विष्णु का पुराण है सो उनकी महिमा ये बताता है। शिव पुराण में आप पढ़ोगे तो बिल्कुल दूसरे ढंग से मिलेगा हो, वहां तो विष्णु हार जाते हैं और शंकर जी उनको हरा देते हैं। अब महाराज एक बार सभा बैठी ऋषियों की, कृष्ण देवेशु को महान भृगु आदि महर्षि इकट्ठे हुए और बोले कि सबसे महान सबसे श्रेष्ठ कौन है। अब वहां जब ये चर्चा चली तो निश्चय हुआ कि भृगु जी जा करके सबकी परीक्षा करें। अब वो महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, भृगु के तो सीधे बाप हैं महाराज ब्रह्मा जी के पास गए तो न तो नमस्कार बोले मुंह से और न तो हाथ जोड़ा न तो सिर झुकाया, ऐसे महाराज जैसे ठूंठ हो कोई पेड़ का जाके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा बेटा हो करके ऋषि हो करके और इतना अशिष्ट कि बाप के सामने आके सिर भी नहीं झुकाता है, नमस्कार भी नहीं बोलता है, उनको तो नारायण भीतर ही भीतर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया महाराज। सो लेकिन बेटा समझ के उन्होंने शाप नहीं दिया, पर भृगु ने देख लिया महाराज आंख लाल होती है या भाव चढ़ती है या चेहरा चढ़ता है तो मालूम पड़ जाता है कि वे क्रोध में आए गए हैं, आवाज बदल जाती है क्रोध में। सबसे पहला प्रभाव तो नारायण आवाज पर और आंख पर और भावों पर और मुंह पर पड़ता है। सो भृगु ने कहा कि बस बस हो गया, परीक्षा हो गई। अब वहां से महाराज गए शंकर जी के पास। सो शंकर जी बड़े प्रेम से उठे कि हमारे भाई आ रहे हैं, सो अब इनको हृदय से लगावे। अब भृगु ने कहा दूर रहना कहीं का, भ्रष्ट है और श्मशान चिता की राख लगाता है शरीर में और सांप पहनता है और ये सब हड्डी और डमरू और कपाल है नारायण, छूना नहीं हमको। अब शंकर जी को तो ऐसा क्रोध आया कि त्रिशूल लेके मारने दौड़े से वहां पार्वती जी थी, उन्होंने झट रोक लिया कि नहीं नहीं ये ब्राह्मण हैं, आपके भाई हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। अब भृगु जी वहां से भी चले और वहां से चल के गए बैकुंठ में। आप इसका रहस्य देखो नारायण, क्षमा जो है ये बड़े का लक्षण है, क्षमा जो है दूसरों का सत्कार जो है। अब एक आदमी से अपराध हो जाए 10 आदमी को दंड दिया जाए, नारायण अपराध किससे नहीं होता, ऐसा कौन है दूध का धुला दुनिया में जिससे कोई ना कोई अपराध ना हुआ हो, सबसे कोई ना कोई अपराध होता है। अब तो महाराज भृगु जी गए बैकुंठ में, उनको कोई रोकने वाला तो था नहीं, वो तो शेष सज्जा पर अध खुली आंख से लेट रहे थे और लक्ष्मी जी उनका पांव दबा रही थी। सो महाराज धड़ाधड़ पहुंच गए वहां और जाके एक लात जमा दिया विष्णु भगवान को। अब विष्णु भगवान उठे, अरे महाराज आए, हमसे बड़ा अपराध हुआ, आपका मैंने स्वागत सत्कार नहीं किया, लेटा रहा और मेरी छाती तो बड़ी कठिन है और आपके पांव बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। सो महाराज उठ के पांव उनका दबाने लग गए, बोले हाँ देखो भाई ये है महान का जो स्वरूप है वो तो ब्रह्म है महाराज, कौन जो चाहे किसी प्रकार का अध्यारोप उस पर करो, कपापी है, पुण्यात्मा है, रागी है, द्वेषी है, सुखी है, दुखी है, छोटा है, बड़ा है, है नहीं है, कैसा भी आरोप करो उसके ऊपर, कोई भी बुराई थोप दो लेकिन नाराज उस बुराई को न तो वो छूता है न तो स्वीकार करता है न मानता है। ये जो ब्रह्म का स्वरूप है ना निर्विकार, वो निर्विकारता जिसके जीवन में जितनी अधिक प्रकट होगी, वो क्षमा जिसके जीवन में जितनी प्रकट होगी वो उतना महान होता है। आप आदमी की नजर से आपको मत देखो, आपके भीतर माटी तो है ना,
कितनी क्षमा है महाराज, उसको काटो पीटो गड्ढा खोदो मुंह तो हगो, जो मौज हो सो करो, मिट्टी तो वही है जो सबको माफ करती है, और वही मिट्टी आपके शरीर में है, वो माफ करने वाला गुण आपका कहाँ गया? जल सबके लिए तृप्ति देता है महाराज, रसीला होता है, सबकी प्यास बुझाता है, मधुर होता है, उसी जल से आपके शरीर में जल बना है, खून बना है, नारायण चर्बी बनी है, मेद बना है, वो जल वाला गुण आपके शरीर में आके क्या हो गया, कहाँ नष्ट हो गया? अग्नि कितना तेजस्वी है महाराज, आपका वो तेज कहाँ है? तो आपके शरीर में गर्मी टेम्परेचर तो है, लेकिन वो जो अग्नि की तेजस्वीता थी वो आपके जीवन में कहाँ चली गई? वो जो वायु है सबके शरीर में घुसकर सबको प्राण दान करती है और प्रगतिशील बनाती है, गतिशील बनाती है, वही वायु आपके शरीर में है, वो गुण आपका कहाँ गया? और आकाश व्यापिनी शक्ति से संपन्न सर्वव्यापी, आपकी व्यापक दृष्टि क्या हो गई? नारायण साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म आपके आत्मा के रूप में है, वो सत कहाँ गया, वो चित कहाँ गया, वो आनंद कहाँ गया? आप हड्डी को मांस को चाम को विष्ठा को मूत्र को नारायण अपना मैं समझते हैं, और जो मूल तत्व है उसको अपना मैं कभी ख्याल में भी नहीं लाते हैं, इसी से आप दुखी हैं और दूसरों को दुखी करते हैं। सबसे महान कौन होता है? कज्जो महाराज क्षमाशील है। भृगु ने आके ऋषियों को बताया, सबने कहा कि हाँ बात यही है। अब एक कथा और बताई महाराज, बड़ी अद्भुत वो कथा क्या है कि एक बार नारायण एक ब्राह्मण ऐसा था द्वारका में कि उसको जब पुत्र होता तो वो होते ही मर जाता, और मर जाता तो वो ले जा करके उग्रसेन के दरवाजे पर पटक देता और कहता कि ये हमारा जो अल्पायु में पुत्र मरा है ये राजा के दोष से मरा है, क्योंकि राजैव काल कारणम, कालो वा कारणम राज्ञः, राजा वा काल कारणम, इतिते संशयो मा भूत, राजा कालस्य कारणम। उसका कहना ये था कि यदि राजा ठीक ठीक शासन करता और प्रजा में धर्म की भावना होती तो मेरा ये पुत्र असमय न मरता। और महाराज मुर्दा पटक के चला आता, एक दो तीन, आठवीं बार महाराज जब पुत्र फिर पैदा हुआ और गया तो वहां अर्जुन आए हुए थे। अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण देवता, ये आपके गांव में क्या कोई क्षत्रिय नहीं है? यदि सच्चा क्षत्रिय आपके गांव में कोई होता तो आपके पुत्र की रक्षा जरूर करता, ये कष्ट आपको कभी नहीं होने देता। उसने कहा कि आप क्या बोलते हैं, हमारे गांव में श्री कृष्ण हैं, बलराम हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं, सात्यकी हैं, नारायण उद्धव हैं, नारायण कृतवर्मा हैं, भूरीश्वरवा हैं, ऐसे वीर पुरुष हमारे गांव में रहते हैं और आप कहते हैं कि क्षत्रियहीन है। अर्जुन ने कहा कि सब झूठे हैं, झूठे क्षत्रिय हैं, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। अब समय आने पर महाराज उसने जाके अर्जुन से कहा, अर्जुन आए और उन्होंने तो बाणों का एक पिंजरा बना दिया, मंत्र पढ़ करके उसके घर को चारों ओर से बंद कर दिया कि अब की हम तो जमराज को भी तुम्हारे घर में नहीं आने देंगे। अब महाराज हुआ ये कि जमराज तो सबके घर में जाते ही है, आप जानते ही हैं, पर वहां तो जमराज प्राण ले जाता है, मुर्दे को छोड़ जाता है। अब की क्या हुआ कि वो सरपंजर में जो बच्चा पैदा हुआ उसकी लाश ही नहीं मिली, उसका शव भी गायब, प्राण तो गए सो गए और शरीर भी गायब। अब तो अर्जुन को आकर के उस ब्राह्मण ने धिक्कारा कि अरे वो नपुंसक, तू हमारे कृष्ण राम और प्रद्युम्न अनिरुद्ध से बड़ा बनता है, देख हर बार तो मुर्दा तो देखने को मिलता था ना, अब की तो मुर्दा भी देखने को नहीं मिला, ये झूठ मूठ का तूने ये गप डींग हाकी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तेरे किए तो कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जहाँ कहीं भी होगा वहां से हम ढूंढ के ले आवेंगे। अब अर्जुन जो और यदि नहीं लावेंगे तो अग्नि की चिता बनाकर उसमें जल मरेंगे। अब महाराज ऐसी प्रतिज्ञा करके अर्जुन चारों ओर ढूंढने के लिए गए।
अब उनको न कहीं जमपुरी में, न वायुपुरी में, न अग्निपुरी में, सारे ब्रह्मांड में महाराज, यहाँ तक कि सारी प्रकृति में अर्जुन को कहीं भी उस पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई कि उसको लेके आवे। अंत में उन्होंने चिता बनाई और जब जलने के लिए तैयार हुए तब श्री कृष्ण ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। तो बोले मित्र देखो ऐसे मत करो, ऐसी प्रतिज्ञा भी तुमको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब करी है तो चलो हम उस पुत्र को ढूंढ करके लाते हैं। सो महाराज उन्होंने अपने रथ को सजाया, अर्जुन को बैठाया, स्वयं हाँक के जब चले तो प्रकृति पार करते करते जब लोकालोक जहां जहां तक लोक था वहां तक तो घोड़े चले, लेकिन लोकालोक के बीच में आते घोड़ों की आंखें जो है चौंधिया गई और उनको कुछ दिखाई ना पड़े। तब भगवान ने अपने चक्र से कहा कि तुम आगे आगे चलो और रास्ता दिखाते चलो। चक्र चला महाराज, महाकालपुरी में गए, जो महापुरुष नारायण जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं उनके पास पहुंचे और जाके सिर झुका के नमस्कार किया। सो महाराज महाकाल ने कहा कि देखो ब्राह्मण के बच्चों को तो मैंने मंगा लिया था, इसलिए मंगा लिया था कि अर्जुन करेगा प्रतिज्ञा और श्री कृष्ण करेंगे उसकी रक्षा, तो बच्चों को लेने के लिए हमारे पास आना ही पड़ेगा। तो वैष्णव लोग जो है, हमारे रामानुज संप्रदाय के जो वैष्णव हैं, वो तो कहते हैं कि ये महाकाल जो है ये साक्षात महानारायण हैं और उनके यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण गए तो दर्शन किया, प्रणाम किया, स्तुति की, उनके सामने झुके। नारायण पर हमारे जो वृंदावनी वैष्णव हैं वो कहते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण इतने सुंदर थे, इतने मधुर थे कि उनकी सुंदरता, मधुरता, उनके सद्गुण, इनकी प्रशंसा नारायण को सुनने को मिला करती थी। तो उनके मन में भी ये लालसा जगी कि हम श्री कृष्ण का दर्शन करें और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा उन्होंने और जब श्री कृष्ण गए तब दर्शन करके तृप्त हो गए नारायण। अब बात चाहे जो हो, इधर से बोलो कि उधर से बोलो, अब वो नौ के नौ जो ब्राह्मण के पुत्र थे उनकी जैसी उम्र, जैसी विद्या, जैसा संस्कार होना चाहिए, सब महाकाल ने लौटा दिया और श्री कृष्ण और अर्जुन लेकर के आए, ब्राह्मण को दे दिया, उनकी बड़ी भारी कीर्ति बढ़ी। असल में हम श्री कृष्ण के चरित्र में देखते हैं तो वो पृथ्वी पर भी उनका विजय है, नारायण जल पर विजय है, नारायण अग्नि पर विजय, पी जाते हैं अग्नि को, वायु पर विजय है, नारायण आकाश पर विजय है, प्रकृति पर विजय है और साक्षात जो ऐश्वर्यशाली नारायण है उन पर विजय है महाराज उनका, क्योंकि वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनके सामने ना उनकी बराबरी का तो कोई होगा कहां से, नारायण दूसरा कोई है ही नहीं उनमें। सो आगे वर्णन किया कि इस प्रकार जदुवंश जो है वो बड़ा विशाल हुआ और श्री कृष्ण की जो पत्नियां थीं वो इतना प्रेम करती थी उनसे नारायण कि उनके साथ वे हंसते थे, बोलते थे, गाते थे, नाचते थे, उनके साथ जल विहार करते थे। श्री कृष्ण के बिना तो पत्नियों को एक क्षण भी भाता नहीं था। कभी कभी तो श्री कृष्ण साथ उनके बैठे हों तब भी उनको प्रेम वैचित्र्य हो जाता था। प्रेम वैचित्र्य माने प्रेम के कारण चित्त में विपरीतता आ जाती थी, वो संयोग में ही वियोग का अनुभव करने लगती थी अपने मन से और विलाप करने लगती थी। कहे कुररी नारायण तू क्यों विलाप कर रही है, क्या तुझे श्री कृष्ण से वियोग हो रहा है, हे समुद्र नारायण तुम क्यों इतनी गर्जना करते हो,
क्या श्री कृष्ण के वियोग में तुम्हें पीड़ा हो रही है? हे पहाड़, तुम इस तरह जड़ भाव को क्यों प्राप्त हो गए हो? क्योंकि श्री कृष्ण से तुम्हारा वियोग हो गया है। जैसे हम उनके चरणारविंद को अपनी छाती पर रखना चाहते हैं, वैसे तुम भी रखना चाहते हो। क्यों कारे वो चंद्रमा तेरी ज्योति क्षीण क्यों हो रही है? क्या तू श्री कृष्ण के बिना व्याकुल हो रहा है? करे वो हंस आओ सुनाओ हमारे प्यारे की कथा। इस प्रकार श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी मन से उनको वियोग हो जाता और नारायण उनके इस वियोग को देख करके, श्री कृष्ण उनके प्रेम को देख करके आनंदित होते रहते। तो ये जो पत्नियां थी उनको तो मन से वियोग हो जाता था, लेकिन रुक्मिणी जी जो थी उनको मन से वियोग कभी नहीं होता। उनको तो नित्य श्री कृष्ण का सान्निध्य, उनके संयोग का ही अनुभव होता। सो श्री कृष्ण ने कहा, बिना एकाध बार वियोग हुए संयोग में क्या सुख है इसका पता नहीं चलता है। और फिर अभिमान भी हो जाता है कि हम इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं कि श्री कृष्ण हमारे ऊपर मुग्ध हैं और हमेशा हमारे पास रहते हैं। सो एक दिन श्री कृष्ण ने कह दिया कि मैं तो अपना गौरव बढ़ाने के लिए तुम्हारा अपहरण किया था नारायण, सब राजाओं को नीचा दिखाने के लिए। अब तुम्हारी मर्जी हो बाबा, जहां चाहे चली जाओ। सो महाराज कुछ मरे लोगों का नाम लिया और कुछ बुढ़े लोगों का नाम लिया और ले करके बोले कि जा उनसे ब्याह करो। अब रुक्मिणी महाराज बेहोश हो गई, उसको उठाया संभाला नारायण और उसको समझाया कि तो गृहस्थ आश्रम का आनंद है, आपस में हंसी मजाक गृहस्थ लोग करते हैं। जब रुक्मिणी को मालूम पड़ गया कि हंसी मजाक की बात है, तब उसने बताया कि ये संसार में जो पुरुष कहलाते हैं वो तो महाराज ये श्मशान में जो जाने वाला शरीर है उसके दुर्गंध से दूषित है। नारायण प्रेम करने योग्य तो केवल आप ही हैं और जन्म जन्म में आप ही हमारे पति हों, इस प्रकार की बातचीत दोनों में हुई। नारायण तो बिना वाणी से कहे रुक्मिणी को वियोग का अनुभव नहीं हुआ और संयोग में कितना सुख है इसका पता नहीं चला। लेकिन जो गोपियां थी महाराज, उनको न तो मन से वियोग होता था और न तो कुछ कहने सुनने से वियोग होता था। जब शरीर से श्री कृष्ण उनकी आंखों के सामने नहीं होते, तब उनके लिए एक एक क्षण कल्प के समान हो जाता था। इतना प्रेम, इतना गाढ़ प्रेम गोपियों का था, ये बताने के लिए महाराज रुक्मिणी और पत्नियों के मानसिक और वाचिक वियोग का वर्णन है कि गोपियों को तो वियोग की व्यथा, वियोग में भी उनको तो संयोग ही भासता था कि श्री कृष्ण हमारे पास हैं, उनको वियोग का अनुभव ही नहीं होता था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जदुवंश में जन्म लेकर ऐसी ऐसी लीला की महाराज कि जिसको यदि आदमी सुने और गावे और उसका चिंतन करे, उसका कीर्तन करे, तो वो जैसे महान तीर्थ में उसने स्नान कर लिया, इससे बड़ा तीर्थ तो संसार में और कोई है ही नहीं। श्री कृष्ण का यश जो है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तीर्थ है। अंत में वंश का वर्णन करके, कितना बड़ा विस्तार था यदुवंश का वर्णन करके सुखदेव जी महाराज ने, जयति जन निवास हो देवकी नंदन ओयम, महाराज सब सारी प्रजा के जो आश्रय हैं श्री कृष्ण उनकी जय हो और देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो और नारायण ये पीतांबर धारे जो जगन निर्माता भगवान नारायण है साक्षात, इनकी जय हो और पृथ्वी के भार हरण करने वाले मुकुंद की जय हो। इस प्रकार भगवान का जय जयकार करके उन्होंने दशम स्कंद पूरा किया। जरा 2 मिनट संकेत करो। श्री कृष्ण बलदेव की।
पंथ की कथा रहेगी, आप जानते हैं उसमें भक्ति ज्ञान का कितना बढ़िया वर्णन है, वो तो सार सार है सारे श्रीमद् भागवत का। तो 11वें स्कंद को कहते हैं मुक्ति स्कंद। मुक्ति स्कंद का अर्थ ये है कि संसार में जो जीव फंसे हुए हैं उनके छुटकारे का उपाय क्या है। तो उसके लिए एक तो नारायण 5 अध्यायों में पहले जो साधन है, 9 प्रकार के साधन है मुक्ति के, उन साधनों का वर्णन है। और उसके बाद नारायण 24 अध्यायों में प्रकृति के जो 24 विकार हैं और विकृति प्रकृति हैं और विकृति हैं उनसे मुक्ति पाने का वर्णन है। 5वें अविद्या के 5 पर्वों से मुक्ति का वर्णन है और 24वें प्रकृति के 24 तत्वों से मुक्ति प्राप्त करने का वर्णन है। इस प्रकार 29 अध्याय हो जाते हैं और 2 अध्यायों में नित्य मुक्त जो परब्रह्म परमात्मा है ब्रह्म मुक्ति उनका वर्णन है। तो जीव मुक्ति, प्रकृति मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति, इस प्रकार 31 अध्यायों में ये 11वां स्कंद जो है वो पूरा होता है। अब इसमें प्रारंभ में ही महाराज भगवान की लीला का वर्णन किया। ये सब जो 10वें स्कंद में वर्णन किया गया ये तो सब भगवान की लीला है और वो ये बताते हैं कि एक दूसरे के नाश के निमित्त हो जाते हैं। जैसे कोई योगी समाधि लगावे तो पहले उसको अपने जो दोष दुर्गुण हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। उसके मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, इनको पहले छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे छोड़ेगा, तो सद्गुण धारण करके छोड़ेगा। तो ये जो जदुवंशी हैं, पांडव हैं, ये तो सद्गुण रूप हैं और ये जो कौरव हैं और दैत्य हैं, असुर हैं, जरासंध कंस हैं, ये दुर्गुण रूप हैं। तो पहले सद्गुणों को सहारा दे करके भगवान श्री कृष्ण दुर्गुणों का नाश करते हैं। आप क्षमा, दया, सुशीलता, दान अपने जीवन में धारण कीजिए, सत्य, अहिंसा, अस्ते और उनके द्वारा जो दुर्गुण है उनको नष्ट कीजिए। यही भगवान की लीला में पहले हुआ। अब रह गए सद्गुण, तो सद्गुण भी तो विक्षेप रूप ही है नारायण। तो जैसे समाधि लगाने के लिए सद्गुणों का भी निरोध करना पड़ता है वैसे भगवान ने यदुवंशियों का और पांडवों का भी निरोध किया नारायण। और संपूर्ण बाध तो तभी होता है जब ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है, नहीं तो बीज बना रहता है फिर ये सृष्टि चलती रहती है। तो कृत्वा निमित्त मितरे तरतः, कुछ बलराम के द्वारा, कुछ अर्जुन के द्वारा, कुछ पांडवों के द्वारा, दोनों पक्ष में भले बुरे दोनों लोग थे हो, इसलिए युधिष्ठिर के पक्ष में भी जो असुर थे उनका भी नाश करवाया घटोत्कच आदि का, और कौरवों के पक्ष में भी जो असुर थे उनका नाश करवाया, और कोई देवता सांप से आए थे उनको उस सांप से मुक्त किया। ऐसा सुंदर शरीर भगवान ने प्रकट किया और ऐसी बढ़िया बढ़िया लीला करी और ऐसे ऐसे उपदेश किए कि जिनसे संसार में फंसे हुए लोग जो हैं वो इससे मुक्ति प्राप्त कर लें। लेकिन महाराज अब ये जो जदुवंश है सद्गुणों का खजाना, अब इसका नाश कैसे हो। का ये भी एक दृष्टि से तो सद्गुणों का खजाना है लेकिन ब्रह्म दृष्टि से तो ये भी विक्षेप है। तो ब्रह्मज्ञ की दृष्टि से ही, ब्रह्मज्ञ के वचन से ही इनका नाश हो सकता है नारायण। ब्रह्मज्ञ के उपदेश के बिना तो इनका नाश हो ही नहीं सकता, वही इनका बाध कर सकते हैं। सो एक बार की बात है महाराज, द्वारका में बड़े बड़े महात्माओं ने चातुर्मास से किया, माने ये आषाढ़ श्रावण से लेकर के आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के कार्तिकी तक रहे। इतने ब्राह्मण भक्त थे श्री कृष्ण। एक कथा मैं सुनाता हूँ आपको, महाभारत के अनुशासन पर्व में है। एक बार दुर्वासा ऋषि जो हैं वे लोगों से कह रहे थे कि हमको कोई 4 महीने के लिए अपने पास चातुर्मास में रख ले शिष्यों के साथ।
और जो मैं कहूंगा सो उसको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो मैं उसका नाश कर दूंगा। अब महाराज किसी की हिम्मत नहीं पड़े, युधिष्ठिर ने भी मना कर दिया कि बाबा ऐसे साधु को हम अपने घर में नहीं रख सकते। सो श्री कृष्ण भगवान ने उनको बुला लिया कि हाँ हमारे यहाँ आप कीजिए। पहले से सोच लेते थे कृष्ण कि ये क्या क्या आज मानेंगे, क्या क्या चाहिए, सब सोच लेते। अब ऐसे दिन बीत रहे थे महाराज कि एक दिन 12 बजे रात को दुर्वासा जी ने आज्ञा दी कि हमारे सब साधुओं को खीर खिलाओ। अब खीर तो पहले से तैयार रखी थी, तुरंत परसी जाने लगी, श्री कृष्ण स्वयं परसने लग गए। अब खीर खाते खाते दुर्वासा जी ने कहा, ए कृष्णिया तो ये जो हमारा जूठा खीर है ना, इसको अपने सारे शरीर में लगाओ, मैं जरा देखूंगा कि सारे शरीर पर ये गोरी गोरी खीर कैसी लगती है। अब मेरा जो पोत लिया श्री कृष्ण ने सारे शरीर में, केवल तलवे में नहीं पोता, कि ब्राह्मण का जूठ उच्छिष्ट प्रसाद है, इसको पांव में कैसे लगावें। अब नारायण दुर्वासा ने कहा, ठीक है, और किसी शरीर पर तो तुमको अस्त्र शस्त्र नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा प्रसाद लगा लिया, लेकिन ये तलवा जो है इसके बारे में मैं कुछ नहीं सकता कह सकता, ये जो है इसी पर तुम्हें बाण लगेगा और नारायण उसी से तुम्हें स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा। अब तो महाराज उस समय जब वो खीर पोते हुए थे कृष्ण, उस समय रुक्मिणी जी कहीं छज्जे में खड़ी थी, वो हंसने लग गई, हंसने लग गई तो दुर्वासा ने कहा बुलाओ इसको। अब महाराज रुक्मिणी जी बुलाई गई, कृष्ण से कहा, गुजरात में अभी देखने में आता है स्त्री पुरुष गाड़ी मिलके खींचते हैं, एक और स्त्री एक और पुरुष, सो महाराज बोले कि इसको रथ में जोतो और मैं इस पर बैठूंगा। अब महाराज रथ में एक और रुक्मिणी जोती गई, एक और कृष्ण, और वो बैठे नारायण। सो रुक्मिणी को ये बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने कहा कि देखो तुम थोड़े दिनों के लिए यहाँ से द्वारका से बाहर निकल जाओ। और वो बाहर महाराज जाके रही, और जहां रही वहां भी उन्होंने कह दिया निश्री, कोई हरियाली नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं नारायण। पर श्री कृष्ण के मन में दुर्वासा जी के प्रति जो श्रद्धा थी वो बनी रही। दुर्वासा ने ऐसा क्यों किया, श्री कृष्ण के हृदय में दुर्वासा के प्रति कितनी श्रद्धा है ये दिखाने के लिए। सब चातुर्मास जब पूरा हो गया और महात्मा लोग वहां से निकल के पिंडारक क्षेत्र में गए, तो ये महाराज पुरानी पीढ़ी तो बड़ी श्रद्धालु, लेकिन नई पीढ़ी जो है वो आप जानते ही हैं, वो तो बड़े क्या होते हैं, कुतर्की होते हैं, नारायण श्रद्धा तो होती नहीं। नई पीढ़ी के जो बालक हैं सो सांब को स्त्री बनाए करके और ले गए महात्माओं के पास, बोले महाराज इसके पेट में बच्चा है, ये जानना चाहते हैं कि बेटा होगा कि बेटी। अब महात्मा लोग तो जान ही गए, बोले कि पेट में तो बच्चा नहीं है नारायण, तुम लोगों ने एक पेट तो कपड़ा पड़ा बांध के फुला रखा है, सो इसमें से एक मूसर निकलेगा और वो मूसर जो है वो जदुवंश का सत्यानाश कर देगा। सो महाराज खोला तो निकला मूसर। अब तो सब के सब बहुत डरे, उग्रसेन की सभा में ले गए। यही एक घटना द्वारका में ऐसी हुई जो श्री कृष्ण से छिपाई गई और उसको चूर चूर मूसल को करवा के समुद्र में फेंक दिया, उससे तो गई घास। और नारायण महात्माओं ने जो साप दे दिया था यदुवंश को, एक उसमें से संगी निकली थी और वो एक किरात ने अपने बाण में लगवा लिया। वैसे तो नारायण ये जो है भगवान की लीला, वो चाहते थे कि अब जदुवंशी धरती पर न रहें, ये सब चले जाएं तो हम भी जाएंगे, नहीं तो मेरे जाने के बाद ये उपद्रव करेंगे, बड़ा विक्षेप पैदा कर देंगे। सो भगवान की इच्छा से भगवन मत कोविदा ऋषियों ने साप दिया। असल में भगवान का स्वरूप जो है उसमें ऐश्वर्य भी है और ऐश्वर्य का त्याग भी है, उसमें राग भी है। ब्रज में है तो कि
कितना राग है नारायण, लेकिन वैराग्य है उसको छोड़ करके चले गए। उनके अंदर धर्म भी है अधर्म भी है, यश भी है कलंक भी है, लक्ष्मी भी है गरीबी भी है, राग भी है वैराग्य भी है, ज्ञान भी है अज्ञान भी है। ये जो कुछ प्रपंच में है ईश्वर्य अनैश्वर्य, धर्म अधर्म, नारायण यश अपजस और लक्ष्मी और दरिद्रता, नारायण और ज्ञान और अज्ञान और वैराग्य और राग, ये सब का सब भगवान के शरीर में है, उनके शरीर में सब कुछ है। सो महाराज जैसे उन्होंने राग की लीला दिखाई थी, ऐश्वर्य की लीला दिखाई थी, वैसे वैराग्य की भी लीला दिखाई। उनके मन में वैराग्य हो गया कि इन कामों में क्या रखा है। सो उनकी इच्छा से इन ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, और शाप देने से जगवंश जो है वो अंतिम कक्षा में पहुंच गया। अब आगे का जो प्रसंग है बहुत बढ़िया, वसुदेव और नारद का संवाद, जिसमें भक्ति का और भक्त के लक्षण का वर्णन है, माया ब्रह्म कर्म भगवान की पूजा भगवान के अवतार और संसार के से मुक्ति के उपाय, ये सब महाराज उद्धव और श्री कृष्ण के संवाद में आगे आने वाले हैं। सो कल